हाई कमांड की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आतंकवादी अंदर छुपे हुए हैं। अंदर से बाहर का व्यू ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए सावधानी हमें बरतनी होगी। जब तक मैं इशारा ना दूं, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पूरी जगह का मुआयना करके आया हूं मैं। सब जगह फैले हुए हैं ये आतंकवादी। जब तक मेरे ऑर्डर्स ना मिले, कोई गोली नहीं चलाएगा। मैं आप सबको कवर दूंगा, दो दो करके मुझे फॉलो करेंगे। एम आई क्लियर? यस सर। फॉलो मी। सही क्या है? क्यों विराथर के बारे में बार बार सोच रही है? सोच, अगर वो किसी खतरनाक मिशन पे गए हैं तो गए। क्या सोचना है इस बारे में? उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। मैं क्या कर सकती हूं? लगातार गोलियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि वहां बहुत सारे आतंकवादी छुपे हैं और एसीपी विराट चौहान अपनी टीम लेकर वहां पहुंच चुके हैं। मुझे लग ही रहा था कि विराट किसी खतरनाक मिशन पर गया है, लेकिन उसने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? उसे हमसे इतनी बड़ी बात छुपाने की क्या जरूरत थी? दादा, हमें ये सब नहीं बता सकते। वही उनकी ड्यूटी उन्हें अलाउ नहीं करती, और वैसे भी इस वक्त हमें किसी और चीज के बारे में सोचना ही नहीं। बस प्रे करें कि विराट दादा सही सलामत वापस लौटे। विराट, सम्राट भी ऐसे ही मिशन पर गया था? वापस लौट के नहीं आया? अश्विनी मामी, विराट, अश्विनी, विराट, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, हमारे विराट को कुछ नहीं होगा। सही भी नहीं है घर पे। तुम अभी भी उस सही को याद कर रही हो? जैसे कि वो यहां होती तो सब कुछ ठीक कर देती। विराट गया था ना उसे लाने, फिर वो वापस क्यों नहीं आई? कैसे आती बताइए, कैसे आती? अब सबकी बातों में आकर विराट ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसकी बेइज्जती की। मेरी बहू का कोई आत्मसम्मान स्वाभिमान नहीं है। अब कहना क्या चाहती है वहिनी? हम लोगों का कोई आत्मसम्मान स्वाभिमान नहीं है?
और तुम भूल चुकी होगी, लेकिन हम नहीं भूले। ऐसे पड़ोसियों के सामने हम सबकी बेइज्जती की थी उस सई ने। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उनके साथ कुछ गलत होने वाला है? पापा, रात से मेरे साथ जैसे भी बर्ताव किया, लेकिन मैं फिर भी उनका भला ही चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। उन्हें कुछ नहीं हो सकता, प्लीज प्लीज बाबा, उन्हें कुछ मत होने देना। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में है एक और, नहीं खो सकती मैं उन्हें, नहीं खो सकती पापा, मैं उन्हें नहीं खो सकती। उनकी रक्षा करो प्लीज, प्लीज। अपनी टीम की हिफाजत करना, अपनी वजह से किसी और को गोली मत लगने देना। कमल सर, सुरक्षा बलों ने स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया है, लेकिन गोलियों की आवाज अभी तक आ रही है। खबर ये आई है कि एक पुलिस ऑफिसर इस ऑपरेशन में बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं, शायद इसलिए यहाँ एम्बुलेंस भी बुलाई गई है। नहीं, नहीं, विराट सर को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए विराट सर को, प्लीज पापा, विराट सर को कुछ नहीं होना चाहिए, बस प्लीज। ये कोई कोई वक्त है आपस में बहस करने का? बस प्रे कीजिए कि विराट दादा सलामत रहे और कुछ नहीं। अभी अभी खबर आई है कि हमारी बहादुर पुलिस टीम ने सारे आतंकवादियों को मार गिराया है। लेकिन एक दुखद बात यह है कि इस पूरी मुठभेड़ में हमारे एक ऑफिसर भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मेरे विराट को सही सलामत रखना, उसे कोई भी मत होने देना बाबा। खंड भराया, सगर ठीक करे बाबा, मेरे विराट को सही सलामत वापस आने देना। सर आप ठीक तो हैं सर? ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। सर आपका खून बहुत बह रहा है सर। वेल डन बॉयज, वेल डन। आज हमने उन आतंकवादियों को उनकी असली जगह पर पहुंचा दिया है। सर आप ठीक तो हैं? मैं शंबर डके ठीक हूँ, बोला ना मैंने, I'm fine, I can do it। The number you have called is currently switched off।
फंक्शन ओवर हो गया है। अब विराट सर का फोन क्यों ऑफ आ रहा है? विराट सर आपकी सही, अभी मिशन खत्म हुआ है, थोड़ा वेट करो, वो तुम्हें खुद कॉल करेंगे। आओ बैठो, बैठ जाओ। सही, रिलैक्स, अपनी आंखें बंद करो, अपने हस्बैंड के बारे में सोचो और भगवान से प्रे करो कि उन्हें कुछ ना हो। सर प्लीज आंखें खोलिए, सर आंखें बंद मत कीजिए, प्लीज आंखें खोलिए सर, बस थोड़ी देर और, हिम्मत मत हारिए, आपके घर वाले और आपका परिवार सब आपकी राह देख रहे होंगे, आपकी वाइफ आपका इंतजार कर रही होंगी सर। ये फूल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। सही, मुझे माफ कर दो सही। गोलियों की आवाजें आ रही हैं। हम आपको बता दें कि आईपीएस विराट चौहान इस टीम को लीड कर रहे हैं। विराट सही, मैम मैं सब इंस्पेक्टर निशिकांत बोलतो है। ओ विराट सर एक्चुअली हॉस्पिटल में है। मेरी उनसे बात कराइए प्लीज, मेरे पास एक मिनट के लिए उनसे बात करा दीजिए, उन्हें चोट तो नहीं लगी? मैम सर के सीने में गोली लगी है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।